अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, तो मैं आज का आपका दोस्त खुर्रम बेग एक बार फिर से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो गया। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। और आज मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है जी। और ये मेरे पीछे आपको एक बड़ा खूबसूरत सा दरख्त नज़र आ रहा होगा। इसका नाम तो नहीं अभी मुझे पता इसका नाम क्या है, मगर ये है बड़ा प्यारा, बड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आपको मैं अभी पूरा इसका व्यू कराता हूँ। ये बड़ा लाजवाब, ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। येलो कलर के और ग्रीन कलर के पत्ते हैं इसके, ठीक है जी। और ये देखें येलो टाइप के ना ये फूल लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये देखें ये जो ये येलो येलो फूल हैं और ये पत्ते लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये इनके। ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे से इतना अच्छा लग रहा है और रियल में कितना खूबसूरत लग रहा होगा। ये देखें ये चेक करें ज़रा, और ये बहुत बड़ा दरख्त है, ये देखें सारा। व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें ये चीज़, माशाल्लाह जी, ये कुदरत अल्लाह ताला की। ये मोर है और ये जो है इसकी फीमेल, मोरनी भी कह सकते हैं, वो मेल है और ये फीमेल है, इनका पिंजरा है। ये आज हम एक जगह पर काम करने के लिए आए हैं और उन्होंने घर पे रखे हुए हैं ये मुर्गियां हैं, ठीक है जी। चेक करें ये मुर्गियां हैं, बताऊँ और इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये देखो ये है जी मुर्गियां, एक मुर्गी है साथ में उसके चूजे हैं छोटे छोटे, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब कि आप अगर घर में किसी भी तरह का कुछ शौक करना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी ज़रूरत नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा जगह होगी तो फिर ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुनासिब जगह उन्होंने मोर भी रखा हुआ है, अपना शौक पूरा कर रहे हैं वो, ठीक है। ये देखिए मैं आपको और भी नस्ल की मुर्गी दिखाता हूँ, ये चेक करें ये किसी और नस्ल की मुर्गी है, ये देखें ये भी सील मुर्गी लग रही है मुझे तो। ये देखें सफ़ेद मुर्गा है, ये भी छोटे हैं बड़े होंगे, वो साथ में बटेर हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के जो फिर घूम रहे हैं, और वो डक बतख जिसे कहते हैं, और ये भी मुर्गी है एक, ठीक है जी। चेक करें कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और व्यूअर्स, हमने आया ना वो काम ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि ये देखें ना इस फ्रेम को हमने किया पेंट। जैसे आपको पता है ना कि ये फ्रेम पहले भी बनाया था, बनाकर जहाँ पर ये फिटिंग होनी है वहाँ पर लेके आए, अभी इधर रख के इसको पेंट किया है। अब ये पेंट खुश्क होता है तो फिर ये आपको सामने तरपाल लगी वाइट कलर की नज़र आ रही होगी, ये इस जगह पर फिटिंग करनी है इसकी, ये भी आपको दिखाएंगे। तो ये जो है ना अभी ये हमने आज इसको पेंट किया है जी। और मुझे तो यकीन करें व्यूअर्स, ये दरख्त जो है ना, अगर किसी भाई को इसका नाम का बता दो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है जी। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। तो देखिए आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी आपसे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इसमें कोई गलती बताई है तो वो भी बता सकते हैं आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।